जी आप घर से निकले संभल के लिए, लेकिन आपको यूपी में एंटर करते ही रोक लिया गया। अफसोस है, हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार से हमें रोका जाएगा, क्योंकि 3 दिन पहले जब हमारा डेलीगेशन जा रहा था, जिसमें मैं भी शामिल था, तो उस वक्त डीजीपी यूपी की तरफ से ये कहा गया था कि अभी 3 दिन के लिए रोक लगा रहे हैं, इसलिए 3 दिन के बाद में जाएँ, नहीं तो हमें माहौल ख़राब होने की आशंका है। जबकि ऐसा कोई आशंका का कोई मतलब नहीं बनता था, लेकिन उसके बावजूद हमने बात मानते हुए 3 दिन रुके और आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पर डेलीगेशन हमारा जा रहा था। और जिस तरह से गलत तरीके से ये रोका गया है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। हमारी मांग है, अगर जनता के साथ अगर अत्याचार होगा, जुल्म होगा, ज्यादती होगी, हत्या होगी, तो उसका उजागर कौन करेगा, उनकी मदद कौन करेगा? अगर पुलिस प्रशासन और शासन उनके खिलाफ खड़ा होगा तो विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग आकर करके उनकी मदद करें। हमारा मकसद ये था कि हम जाके उनके दुख दर्द के अंदर शरीक हो सकें, और जिस प्रकार घटना को अंजाम दिया गया है उस पर सारी उसकी रिपोर्ट लेकर के माननीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को सौंप सकें। लेकिन हमें बड़ा अफसोस है कि इस टाइप की ये सरकार अब पुलिस प्रशासन की करतूतों पर पर्दा डालने के लिए इस टाइप की ये इलीगल काम कर रही है। यहाँ पुलिस प्रशासन ने आपसे क्या कहा, मतलब रोकते हुए? रोकने क्या, आप देख ही रहे हैं, सब आपके सामने है, कोई जवाब दें क्यों रोक रहे हैं, क्या मतलब बनता है हमें जाने से? हम वहाँ पर अपने लोगों के दुख दर्द में शरीक होना चाहते हैं, हम सही रिपोर्ट लेना चाहते हैं कि जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने वहाँ पर माहौल को ख़राब करा है, जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी इसके जिम्मेदार हैं, उसकी एक पूरी रिपोर्ट बना करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को सौंपना चाहते हैं, जिससे कि आगे की हम कार्रवाई कर सकें। प्रशासन कह रहा है कि आपके या फिर नेताओं के वहाँ जाने से माहौल ख़राब हो जाएगा। आप ये बताइए, अगर नेताओं के जाने से माहौल ख़राब होता तो पहले सर्वे के दिन, जिस दिन 19 तारीख में हुआ था सर्वे, उस दिन मैं खुद मौजूद था और भी जनप्रतिनिधि मौजूद थे, उस दिन माहौल क्यों ख़राब नहीं हुआ? जुमे के दिन 22 तारीख में हम लोग खुद मौजूद थे, उस दिन माहौल क्यों ख़राब नहीं हुआ? माहौल ख़राब तब हुआ जब हम लोग वहाँ मौजूद नहीं थे। जनप्रतिनिधि होते हैं तो वो एक कड़ी होते हैं जनता के और शासन और पुलिस प्रशासन के बीच की, उनकी वही माहौल को ठीक कर सकते हैं। इन्होंने जनता के साथ जब लाठीचार्ज कर रहे हैं, गोली चला रहे हैं, तो उस टाइम हम ही लोग तो संभालते स्थिति को, तो इसलिए इन्होंने नहीं होकर के अपनी लापरवाही, नाकामी से, साजिश के तहत इस चीज़ को माहौल ख़राब किया है, और हम इसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं। और हम उम्मीद करते हैं अगर इस प्रकार से पुलिस प्रशासन और शासन से अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा तो इंशाल्लाह सुप्रीम माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हमें इंसाफ ज़रूर मिलेगा। एक आखिरी सवाल सर, अगर आपको आगे नहीं जाने देंगे तो आगे क्या कार्रवाई, क्या रणनीति रहेगी आपकी? अब उसकी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से चर्चा कर करके फिर आगे हमारी परसों से फिर सदन शुरू हो रहा है, उस सदन में जा करके माननीय अध्यक्ष लोकसभा स्पीकर साहब से मिलेंगे कि देखिए कि किस प्रकार से हमारे संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और हमें वहाँ जाने से रोका गया। ठीक, थैंक यू सर।